हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है ये? महाराज मैं नहीं कर रहा, मैं तो केवल गुरुवर के आदेश का पालन कर रहा हूँ। आप स्वयं गुरुवर से पूछ लीजिए कि वो मुझे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर दिया इसने? गुरुवर, क्या आपने पंडित रामकृष्ण को इस प्रकार की मूर्तापूर्ण हरकत करने को कहा है? महाराज वो ये असहनीय है गुरुवर, इस उद्दंडता के लिए हम आपको मृत्युदंड देते हैं। ले जाइए गुरुवर को और कारावास में बंद कर दिया जाए इन्हें। नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ गुरुवर? ये पंडित रामकृष्ण तो स्वप्न में भी भयभीत करता है। चलो गधो। ये क्या गुरुजी? पापा ने कहा और आपने मान लिया? गुरुजी मैं तो कहता हूँ भभूति का प्रयोग करके देख लीजिए, कहीं ऐसा न हो उचित अवसर पे भभूति कार्य नहीं करी, तब जाके आपको पता चला कि बाबा ने आपको मूर्ख बना दिया। हम इस अभिमंत्रित भभूत को व्यर्थ नहीं करेंगे। मूर्खो गधो, सर्वनाश हो तुम्हारा, ये क्या कर दिया? क्षमा कीजिए गुरुजी, त्रुटि से कोहनी लग गई। त्रुटि त्रुटि त्रुटि, अब यही गोबर तुम दोनों के मुंह पर गिर जाए। ओह, इसका अर्थ है कि बाबा की भभूत कार्य कर रही है। गोबर ने हमारे आदेश का पालन किया, विश्वास नहीं होता। और अब पंडित रामकृष्ण भी हमारे निर्देश का पालन करेगा। हम डमरू बजाएंगे और पंडित रामकृष्ण नृत्य करेगा। टक 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 टक। गुरुजी वो देखिए पंडित रामकृष्ण इधर ही आ रहे। ओहो, शिकार स्वयं चलकर जाल की तरफ आ रहा है। छिप जा। जैसे ही पंडित रामकृष्ण यहाँ से निकलेगा, इस भभूत का प्रयोग कर हम पंडित रामकृष्ण को अपना दास बना लेंगे। आओ उस वृक्ष के पीछे छुपते हैं। आओ आओ आ जाओ। भभूति के प्रभाव से पंडित रामकृष्ण तो स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। रामा ये नहीं, रामा वहाँ है। हे भगवान, क्या हमसे पुनः भभूत फेंकने में चूक हो गई? आज्ञा दीजिए स्वामी, मुझे क्या करना है? हमारी दो पुड़िया व्यर्थ हो गई। मन करता है कि हम अपना सर फोड़। जो आज्ञा स्वामी। उसे पत्थर उठा लिया। गुरुजी यदि अपना सर नहीं फोड़वाना चाहते हो तो शीघ्र भाग चलो। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है गुरुवर। कैसी बातें कर रहे हो विद्याधर? वो स्त्री पत्थर लिए हमारा सर फोड़ने के लिए तत्पर है और आप कह रहे हैं भागने की आवश्यकता नहीं? वो अभी भी भभूति के प्रभाव में है। आप पहले वाले आदेश को निरस्त कर उन्हें नया आदेश दे दीजिए। आप इस महिला को ये आदेश दीजिए कि वो आधे पहर तक यहीं खड़ी रहे। आधे पहर के बाद भभूति का प्रभाव खत्म हो जाएगा।
उसके बाद ये स्वयं अपने घर चली जाएगी। ये उचित रहेगा। नीरस! ए महिला, पत्थर नीचे फेंको। अब आधे पैर तक यहीं खड़े रहो, आधे पैर के पश्चात अपने घर चली जाना। जो आज्ञा स्वामी। चार में से दो बुढ़िया व्यर्थ हो गई है, हमें सावधान रहना होगा। कुछ भी करके बची हुई पूजा का प्रयोग पंडित रामाकृष्ण पर अवश्य करना होगा। चलो। पंडित रामाकृष्ण, महर्षि विद्याधर जी यहीं पर रुके हुए हैं, आपको कोई विशेष वार्तालाप हेतु उनसे भेंट करनी है क्या? जी मंत्री भाई, मुझे उनसे। आपका साहस कैसे हो गया कोतवाल जी हम तक पहुँचने का? महर्षि जी, मेरे बच्चे अपनी माँ की आंखों के दुलारे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि कोई व्यवस्था हो सकती है तो मेरे पुत्रों को पढ़ने की अनुमति दे दीजिए गुरुकुल में। आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? चले जाइए यहाँ से, अन्यथा महाराज से आपके विषय में हमें शिकायत करने में समय नहीं लगेगा। कि आप हमें महाराज के आदेश के विरुद्ध जाने के लिए कह रहे हैं। परंतु महाराज, बुद्धि भ्रष्ट मत कीजिए, क्योंकि बुद्धि में ही शक्ति है। बच्चों की प्रार्थना लेके आया था, ठुकरा दिया। अरे अरे पंडित रामकृष्ण, कहाँ जा रहे हैं आप? आपको महर्षि विद्याधर जी से भेंट नहीं करनी? नहीं मंत्री, पर मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य स्मरण हुआ है, उसे समाप्त करने के पश्चात आता हूँ। हाँ, आज्ञा दीजिए। आप पुस्तक में देखकर शीघ्र बताइए, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो प्रथम दिवस था या रात्रि? क्या हुआ, शीघ्र उत्तर दीजिए। इस प्रश्न के दो ही विकल्प होंगे, या तो प्रथम दिवस होगा या रात्रि। आप उत्तर के पर्याप्त निकट हैं, दो ही विकल्प रह गए हैं। वो विकल्प ना हमें शीघ्र ढूंढ के बताइए कि प्रथम दिवस था या रात्रि। ढूंढिए ढूंढिए, हमें शीघ्र बताइए। महाराज आप यहाँ? महारानी चिन्ना देवी, जाइए और महारानी तिरुमल्लम्मा की सहायता कीजिए उत्तर ढूंढने में। जाइए। नहीं नहीं महाराज, हमेशा मत कीजिए, हम चलते हैं। सहायता तो कीजिए। नहीं महाराज, छोटी महारानी है। क्षमा कीजिए महाराज, हमें जाने दीजिए। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आपने भी क्या खूब प्रश्न ढूंढ के निकाला। ला मत आओ, उठा लो। क्या? हम तो केवल सर उठाने के लिए कह रहे थे, अब आप ये बताइए कि हुआ क्या है। अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जाएगा जाएगा जाएगा, क्यों नहीं जाएगा गुंडप्पा, गुरुकुल अवश्य जाएगा। मैंने गुरुकुल जाने की सारी व्यवस्था कर ली है। हाँ, परंतु क्या? गुंडप्पे को राजपुत्र की वेशभूषा में ही परीक्षा में भाग लेना होगा। भाग लेना होगा? मैं भागूंगा क्यों? मैं किसी से डरता हूँ क्या? अरे ओ मेरे वीर पुरुष, भाग लेना होगा अर्थात सम्मिलित होना होगा। ओ, बहुत अच्छे लामा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। उचित है, हम गुंडप्पा के लिए राजपुत्रों जैसी वेशभूषा बनाते। परंतु परीक्षा कब है? कल प्रातः काल। कल प्रातः? एक रात्रि में राजपुत्र जैसे वेशभूषा कैसे बनाएंगे? वो मुझे ज्ञात नहीं, मैंने अपना कार्य पूर्ण किया, आगे तुम लोग जानो। बापू, आंखें क्यों चुरा रहे हो? अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। पंडित रामकृष्ण के साथ ये बालक कौन है? ये विचित्र से केश हैं। रामा, तूने मेरा मुख क्यों ढक दिया? क्योंकि यहाँ ऐसे ही आना है, बस मरण नहीं, मैंने कहा था चुप रखना, कुछ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि भेद खुल जाएगा। कैसे भेद? कोई भेद नहीं, देख चुप रहना भी परीक्षा का नियम है। राजपुत्र बोले या ना बोले तू चुप रहेगा, परीक्षा समाप्त होने तक नहीं बोलेगा, समझा? प्रणाम पंडित रामकृष्ण। प्रणाम प्रणाम गुरु। प्रणाम।
अवसर मिलते ही पंडित रामाकृष्णा पर भभूति डालकर उसे अपने वश में कर लेंगे हम। महाराज कृष्ण देव राय की जय। 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 आयुष्मान भव राजकुमारों, हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आप सभी का विजयनगर में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को उच्च शिक्षा मिले, यही इस गुरुकुल का ध्येय है, लक्ष्य है और यही हमारा उत्तरदायित्व भी है। परंतु क्या आप सब भी ऐसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य हैं या नहीं, ये जानना भी आवश्यक है। पता हमारे गुरुकुल के प्रधानाचार्य महर्षि विद्याधर ने आप सभी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जिसे भी इस निर्णय से आपत्ति हो वो अभी इसी समय इस परीक्षा से बाहर जा सकता है। महाराज प्रणाम। महाराज, हम काशीपुरा प्रदेश के राजा रणवीर के पुत्र राजकुमार मलंग देव हैं। कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम मलंग देव। महाराज, हम गुरुकुल में शिक्षित होना चाहते हैं क्योंकि हम अशिक्षित हैं, लेकिन हम इस दुविधा में हैं कि हम ये परीक्षा कैसे उत्तीर्ण करेंगे। यही तो मैं भी महाराज को समझाने का प्रयत्न कर रहा था। बुद्धि में ही शक्ति है। बहुत अच्छा, आपने अपनी शंका पूर्व ही व्यक्त कर दी, अन्यथा हमारा समय व्यर्थ होता। महाराज, जो मस्तक शंका से भरा हो, जो प्रतियोगी विश्वास में परिपूर्ण नहीं, उसे हमारे शिक्षा का कोई अधिकार नहीं। अतः राजकुमार मलंगदेव, हम आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया आप यहां से प्रस्थान करें। आप शिक्षा तो क्या, प्रवेश परीक्षा के भी योग्य नहीं। हम पिताश्री से आपके इस व्यवहार की बात अवश्य करेंगे। आपने विजयनगर में बुलाकर हमारा अपमान किया है। प्रणाम महाराज। क्षमा करें महाराज, हमने गुरुकुल का निर्माण दूसरे राज्यों से मैत्री संबंध बनाने के लिए किया था, तो यहाँ तो उसका विपरीत हो रहा है। इस तरह तो दूसरे राज्य हमारे शत्रु बन जाएंगे महाराज। वाह महर्षि विद्याधर जी, क्या पारखी दृष्टि पाई है आप। ये बुढ़ा कहां से आ गया बीच में? हट बेवकूफ, वक्त नहीं मेरे पास। वक्त कभी रुकता नहीं और शमशेर का तीर कभी चूकता नहीं। प्रवेश परीक्षा आरंभ होने से पूर्व ही अयोग्य प्रतियोगी को बाहर कर दिया। महाराज, महर्षि विद्याधर जी उचित कह रहे हैं, कृपया इन्हें परीक्षा आरंभ करने की अनुमति दीजिए। अनुमति है गुरुवर। धन्यवाद। सभी राजकुमारों यहां आइए। सभी राजपुत्रों से निवेदन है कि इस श्याम पट पर कुछ लिखकर दिखाइए। आप आइए और श्याम पट पर कुछ लिखकर दिखाइए।
मुझे संदेह है कि गुंडप्पा को लिखना आता भी है या नहीं। ए बंधु! रामा, तेरा क्या अनुमान है, गुंडप्पा को लिखना आता है? पता नहीं बंधु, कभी जांच ही नहीं की। गुंडप्पा प्रथम परीक्षा में ही विफल हो जाएगा, देख लेना। अरे शुभ शुभ बोल। लगता है इस बालक को कुछ भी लिखना नहीं आता है। हाँ बिल्कुल, आप पर गए गुरुजी। क्या कहा मूर्खो? हमने नहीं नहीं हमने तो कुछ कहा ही नहीं गुरुजी, कुछ नहीं। मैं सर्वप्रथम तुझे ये ज्ञान देता हूँ कि सदैव परिस्थिति को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए, तभी सही निर्णय लेना संभव होता है। ये बालक तो निरा मूर्ख। ये क्या लिख दिया आपने? महर्षि विद्याधर जी ने कहा कि कुछ लिखो और आपने कुछ नहीं लिखा। गुरुवर, इस राजपुत्र ने बिल्कुल उचित किया है। हमने इनसे कहा था कुछ लिखने के लिए, ये एक चतुर प्रश्न था, इसमें बुद्धि का प्रयोग करना था, क्योंकि बुद्धि में ही शक्ति है। ये क्या कर रहे हो मूर्ख, हमारी बात काट रहे हो? क्षमा चाहूंगा गुरुवर, वो भाव में बह गया था। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि इस राजपुत्र ने हमारी चाल को पहचान लिया और अपनी चतुर बुद्धि दिखाते हुए हमारे प्रश्न का सही हल दिया। श्रेष्ठ शिष्य के मन में जो आया वो उन्होंने लिखा, पर हमने जो कहा वो नहीं लिखा। महाराज, ये प्रथम परीक्षा थी, अन्य राजपुत्र निराश न हो, अभी दूसरी परीक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। अरे तो आगे बढ़ना, बीच में क्यों रुका है? यही अवसर है बबूती डालने का। गुरुवर जी, आप पीछे क्या कर रहे हैं? यहाँ आगे आइए ना, आइए आइए आइए। हाँ हम देख रहे थे क्या कर रहा था। यहाँ आज सूर्यदेव क्रोध में है, बहुत ताप है। थक भी गए हैं। महर्षि विद्याधर जी के लिए जल की व्यवस्था की जाए। बैठिए। ये इस राजपुत्र ने अभी क्या कर?